नमस्कार दोस्तों, दोस्तों चाणक्य ने महिलाओं के बारे में ऐसे 13 विचार और नीतियाँ बताई हैं। चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कई बातों का उल्लेख किया अपनी चाणक्य नीति की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों में भी किया है। इनमें से कई बातों से हम से सहमत हो सकते हैं और कई बात से असहमत। चाणक्य यह बातें उस काल की स्थिति और परिस्थितियों को देखकर लिखी थी। अब काल बदल चुका है, आओ जानते हैं कि चाणक्य के महिलाओं के संबंध में क्या विचार है। धार्मिक, चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं का धार्मिक होना जरूरी है। भगवान, प्रकृति और धर्म पर उसका विश्वास घर को सुरक्षित रखता है। ऐसी महिलाएं अच्छे और बुरे का अंतर तुरंत और आसानी से परख लेती हैं। प्रकृति की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होना होता है। चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली हो वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशी रहती है, उसकी सभी तारीफ करते हैं। अतः स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए, कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला धन संचय करना जानती है उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि कला प्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर हो जाता है, एक जहर के समान बन जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हो, अशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, ऐसे में उन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। ऐसे महिला जो वेश्य है उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसे महिलाओं के समक्ष दुखों का बखाना करना मूर्खता है। राजा वेश्या यमु याग्नि स्तकरो बाल्याचको पर दुखम न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकाः। अर्थात राजा वेश्या यमराज अग्नि चोर बालक याचक और आठों गांव का काटा, ये दूसरों के दुख को नहीं जानते हैं। दिए गए दान को कभी ना बताने वाली महिला किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि दान पुण्य करने वाली होती हैं और वो दान करती हैं, पुण्य करती हैं और किसी को बताती नहीं हैं, तो इससे आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि ही बनी रहेगी। ऐसी औरत को कभी भी ना छोड़े। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान के बात का ताना देने से चुकती नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि पत्नी के अंदर
या पति के अंदर कोई कमजोरी है या उसकी कोई कमजोरी थी तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वह अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। चाणक्य कहते हैं, पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उससे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वह उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेगी। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी आगे उन्हें ना चाहते हुए सिर झुकाना पड़ता है। इन महिलाओं में शामिल है दया और करुणा में भरपूर महिला, जो कि दया और करुणा से इतना भरपूर रहती हैं कि वो आप देख के उनके आगे सिर झुका देंगे। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम तिलोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीराण्यम दोषाः स्वभावजाः। अर्थात झूठ बोलना, अत्यधिक साहस, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, ये दोष महिलाओं के स्वभाव में जन्म ही होते हैं। स्त्रीराण्यम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव काम श्राष्ठगुणा स्मृतः। अर्थात स्त्री का आहार यानी भूख पुरुष से दुगनी होती है, शर्म यानी लज्जा चार गुना ज्यादा, साहस पुरुष से छह गुना ज्यादा होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। वहीं स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से आठ गुना ज्यादा होती है। बाहुवीर्य बलम राज्ञो ब्रह्माणो ब्रह्माविद बली रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलमनु उत्तमम। अर्थात राजाओं का बल बाहुबल शस्त्र और उसकी सेना ब्रह्मांड का बल ज्ञान और ब्रह्मा विद्या है, लेकिन महिलाओं का बल मधुर वाणी रूप शीलता और यौवन है। दोस्तों, आपको ये स्त्रियों के बारे में चाणक्य के विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।